हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज ये वीक खत्म हो चुका है। आज के फ्राइडे के दिन फिर से एक बार चौपीनेस निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। कल के प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारे लेवल्स थे, इस सेकेंड टारगेट के पास ही निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट ओपन हुआ था और ऊपरी लेवल पे सस्टेन करने में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जो हमने आर्ली चार्ट में देखा था, कल एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, बियरिश डाइवर्जन। तो बुल्स का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई तो लगा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है उस लेवल के आसपास। और जैसे टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल को सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर में फिर से फर्स्ट टारगेट लेवल्स को अचीव किया। इसने फिर से सेकेंड टारगेट के लेवल के पास इसने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया और फर्स्ट टारगेट के लेवल के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो काफ़ी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 3-4 दिनों से। तो अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब का एक क्विकली इंट्रो दे देता हूँ। अगर आपको हमारे इंट्राडे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल्स अगर ज्वाइन करने हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये चार है, इनमें से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट आपको हमारे अंडर ओपन करना है। ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपको डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने हैं और कंटिन्यू करना है। अगर आपके पेपर्स क्लियर है, रेडी है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पर कॉल करके आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म करना है, ताकि हम आपको हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स में ऐड कर सकें, जहाँ पर इक्विटी, स्टॉक ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, फ्यूचर, इसके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलते हैं अभी सबसे पहले वीकली चार्ट में निफ्टी के, क्योंकि वीक ख़त्म हो गया है, वीकली चार्ट को एनालिसिस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट 3 वीक 3 वीक पहले यहाँ पर ये राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था यहाँ पर। तो ये जब भी ऐसा साइन आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो 3 वीक पहले ये यहाँ पर क्रिएट हुआ था RSI में, और उसके बाद 3 वीक लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है और हायर हायर लोज के पैटर्न बन रहे हैं। तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर ये स्विंग हाई लो मिल चुका है, तो अभी 38.2% के लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो 16,000 के आसपास नेक्स्ट रजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर डेली चार्ट को अगर हम देखें तो आज इसने डेली चार्ट में एक डोजी जैसा पैटर्न बनाया, जहां पर ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हुआ है। यानी इनडिसिजिवनेस है बुल्स और बेयर्स में, ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, ओवरबॉट है निफ्टी इस समय। आर्ली चार्ट पर चलते हैं। आर्ली चार्ट में क्लियरली हमने यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस को देखा था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ऊपर प्राइस एक्शन लगातार हायर हाईज क्रिएट करता है। अभी ये देखिए, ये सडन फॉल आया था और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स ने फिर से नया हाई लगा दिया। लेकिन RSI देखे तो कंटिन्यूस लोअर हाईज बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है कि आगे ट्रेंड को कैरी कर सके। तो ऊपरी लेवल पे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। मार्केट अगर 4-5 दिनों से देखे तो ऐसे रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है। देखिए, इस जोन में निफ्टी इंडेक्स है, ना ही क्लियर कट अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है, ना ही डाउनवर्ड साइड ट्रेंड दिखा रहा है। अगर और हम इसे डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ये लो और ये हाई को पकड़ के। तो 23.6% के लेवल के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है और फिर से एक बार ये 15,800 के पास हो सकता है अभी रेजिस्टेंस फेस करे। दोबारा अगर रिटेस्ट करता है इसको एज ए रेजिस्टेंस और फिर नीचे आता है तो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा। और जब ये नेक लाइन को तोड़ेगा 23.6% को, तो और तेज़ी से यहाँ से करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, क्योंकि अभी कैबिनेट की काफ़ी सारी मीटिंग चल रही है कोविड के बाद कैसे इकोनॉमी को और तेज़ी से बढ़ाया जाए, इसके लिए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो निफ्टी इंडेक्स ज़्यादातर हो सकता है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें और तेज़ी देखने मिल सकती है। तो ये डेली चार्ट के सीनरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में।
मंडे के लिए देखते हैं क्या लेवल्स हो सकती है। अभी ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, टोटली रेंज बाउंड ट्रेडिंग है ये। तो अभी निफ्टी इंडेक्स आज का जो हाई बन रहा है ऑलमोस्ट 15834 के पास, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ही इंट्राडे के लिए हम मंडे को बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15849, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 15865, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेक डाउन लेवल, आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जो है वहाँ पर ही देखिए ये स्विंग हाई यहाँ पर बना है, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर इस लेवल के पास आर्ली चार्ट में आज क्लोज नहीं हुआ इस लेवल के नीचे, तो ये ज़बरदस्त सपोर्ट हो सकता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15766, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15750, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, फिर से दोबारा हमारे जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन लेवल है इसको क्लियरली ब्रेक करता है सेकेंड अटेम्प्ट में, तो ही यहाँ पर पोजीशन लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये निफ्टी के लेवल्स है मंडे के लिए। बैंक निफ्टी में चलते हैं, ये बैंक निफ्टी का आज का 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी आज का हाई देखिए, एग्जैक्ट जो सेकेंड टारगेट था उसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, और जो लो था वो हमारा एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट का लेवल था, तो काफ़ी एक्यूरेट यहाँ पर भी लेवल बैंक निफ्टी में साबित हुए। अभी 60 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स को फाइंड आउट कर सके। अभी फिर से एक बार ये देखिए, 60 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी यहाँ पर हो सकता है अगर ट्रेंड देखे तो ये देखिए कैसे ट्रेंड है आर्ली चार्ट में, कंटिन्यूज ये यहाँ पर लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बना के चल रहा है। तो अभी फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर ये स्विंग लो बनाता है, यानी ये लो प्रीवियस लो के ऊपर बन के ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर क्लियर कट राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा, और तभी हमें बैंक निफ्टी में यहाँ से तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये अगर मंडे के दिन आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है 35291, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही मंडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35360, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 35437, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो देखिए आज भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जो लास्ट यहाँ पर स्विंग लो बना था उसी के पास आज इसने सपोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है, तो ये सपोर्ट का लाइन है अभी आर्ली चार्ट में, तो इसको ब्रेक करता है 34995 को तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 34933, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड जस्ट ये नेक्स्ट स्विंग लो के ऊपर 34872, और थोड़ा बड़ा कर दे 34850, ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल होगा। ठीक है, तो ये मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।